दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के आदेश के बाद आज सुबह से सीएम सहित मंत्री व विधायक सड़कों पर उतरे और खराब सड़कों का जायजा लिया। इसके बाद सड़कों की मरम्मत होगी। पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दो अलग अलग सड़कों का दौरा किया था। इस संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर मंथन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दो दिन लगातार मैंने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़क का बुरा हाल है, जगह जगह से टूटी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं।